माय यूट्यूब चैनल, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइस, मैंने बहुत टाइम से कोई ऑनलाइन रिव्यू पे अपना कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था, तो मुझे लगा चलो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। और इस वीडियो में सारे होम डेकोरेशन आइटम्स मैंने मंगवाए हैं बहुत ही कम रेट पे, बहुत ही सस्ते हम इन्हें बोल सकते हैं। और मीशो में आपको पता है कि बहुत ही वैसे भी बहुत सुंदर चीज़ें भी मिलती हैं और बहुत रीजनेबल रेट पर भी मिलती हैं। तो चलिए फिर, प्लीज़ आज का जो व्लॉग होगा, वीडियो होगा, वो पूरा देखिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस, जो पहला आइटम है वो ये है, ये मेटल का बना हुआ एक डेकोरेटिव आइटम है। और ये जैसे एंटिक पीस होता है ना, उस तरह से पूरा गोल्ड में। इसमें दो तीन कलर और थे, ब्लैक था, वाइट था। और ये मतलब इसमें आप अपनी कैंडल होल्ड कर सकते हो, कैंडल भी इसे रख सकते हो, या आप इसमें कोई फ्लावर पॉट लगा सकते हो, या आप इसे अपने डाइनिंग एरिया में रख सकते हो, सेंटर टेबल में रख सकते हो। और जस्ट ये 235 रुपीज़ का था, तो जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा। और इसमें ना इसकी जो इसका काम किया हुआ है, ये बहुत अच्छा से कई सारे मेटल के आप पीस देखोगे, अगर डेकोरेशन के आइटम्स देखोगे, वो बहुत पहने होते हैं यहाँ से या जहाँ से भी कहीं से भी, मतलब हाथ कटने और इस तरह का डर होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से इसमें काम किया हुआ है। और जस्ट ये 235 रुपीज़ का है गाइज, तो इतने में इतना अच्छा, तो बेस्ट डील। सेकेंड आइटम आप देखोगे वो है ये, एक ये भी एक फ्लावर वास ही है और इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स मुझे रिसीव हुए। और ये ऐसे क्रैक्ड फॉर्म में, अगर आप इसे देखते हुए देखिए इस तरह से है। और इसमें ना पूरे ग्लास का है, कांच का है ये इस तरह से पूरे कांच का ये है। और ये बहुत शाइनिंग इसमें आ रही है, बहुत शाइन कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं इतना तो सोचो, आप ये यहाँ पे से कर रहा है तो सामने से कितना अच्छा लग रहा होगा। और जिस तरह से ये बनाया गया है ना, एकदम क्रैक इसमें ऐसा लग रहा है, क्रैक्स पड़े होंगे, पर बहुत सुंदर है। और इसमें ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी थे वाइट, तो मैंने वाइट कलर के मंगवाए, इसमें रेड थे कुछ, इसमें ऐसे इस तरह की पत्तियों में थे और गुलमोहर के फूल होते हैं उस तरह के थे, मुझे ये अच्छा लगा। और इसका प्राइस है 322 रुपीज़। तो जितने भी मैं आपको ये सारे आइटम्स दिखाऊंगी, इनका मैं कोड या लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके इन्हें चेक कर सकते हो। जो नेक्स्ट मैंने मंगवाया है वो ये है, इसे सेवन चक्रासन बोलते हैं क्योंकि इसमें सात तरह के ये स्टोन्स लगे हुए हैं। और इसको ऐसे अच्छा भी माना जाता है, अगर वास्तु के हिसाब से भी आप इसे घर में रखते हो तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है। और ये ना काफ़ी मुझे जैसे, एक तो ये ऐसे ब्राउन कलर में था और ये लकड़ी का है, ये जो है ना इसकी पूरी लकड़ी है, ये इसका ये वाला जो बेस है ये लकड़ी का था, तो बहुत ही अच्छा एक विंटेज सा लुक मुझे दे रहा था कि अगर मैं इसे अपने घर में रखूँ तो ये आपके दरवाजे या जो किसी भी चीज़ से आपकी जो टेबल है उससे मैच कर सकता है, तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा। और ये 322 रुपये का है गाइस, तो इतने में इतना तो बनता है ये इस तरीके से। और गाइस, जो नेक्स्ट है वो ये है, बट ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे लगा था ये सेरामिक का होगा, बट ये प्लास्टिक का आया और इस वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और 222 रुपये का ये है, तो 222 के हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार है, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट इसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं थी, मीशो में बहुत सारे आइटम्स में ऐसा है कि रिटर्न पॉलिसीज़ नहीं मिलती हैं, और इस वजह से मैं इसे रिटर्न नहीं कर पाई, तो मैंने ये जस्ट रखा हुआ है। पर ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो इसे तो बिग नो, इसे मत लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट है वो है ये दो कैंडल होल्डर, ये इस कैंडल होल्डर ही है ये, बट इसके साथ में मुझे ये कैंडल जो रिसीव हुई है इसमें कोई भी खुशबू नहीं है। और इसमें आप अपनी कैंडल्स डाल सकते हो, मुझे दो रिसीव हुई थी। और ये इस तरह से कुछ है, मतलब आप कहीं पे इसे लगा भी सकते हो और इसे कहीं पे हैंग भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको ना ये यहाँ से लूज़ है तो इसे टाइट करना होगा। और गाइस, ये बहुत अच्छे कलर लग रहे हैं, मतलब देखो आप डिज़ाइन से लेकर के कलर से लेकर के। और जस्ट ये 229 रुपीज़ के मुझे दो मिले, इसमें अलग अलग कलर थे, तो आप वो भी इसमें मंगवा सकते हो। और काम भी बहुत अच्छे से है, कोई जैसे मेटल का है ये पूरा, तो कहीं पे भी कोई कटने फटने का कोई डर नहीं है, और मुझे तो बहुत पसंद आए, आप भी लीजिए। तो गाइस, जो नेक्स्ट है उसमें मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो गया है, मैंने ये कुछ प्लांट्स मंगवाए थे, ये आप देखिए। और एक्चुअली ये छः दिखा रहा था, मतलब जब मैंने इसे मंगवाया था ये छः था, लेकिन ये मुझे ना छः की जगह सात रिसीव हुए हैं,
तो इसमें मुझे दो ये इस तरह के प्लांट रिसीव हुए, और बाकी ये सारा पिंक कलर हो गया या पर्पल कलर हो गया या येलो और ये ऑरेंज। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, मतलब अगर आप इन्हें देखोगे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ इनको, ये इस तरह से हैं सारे और ये। बट ये कभी कभी मीशो मतलब फ़ायदा भी कर देता है आपका। तो ये छः का सेट था 209 रुपये का, और ये मुझे 7 रिसीव हुए, तो काफ़ी अच्छा मुझे डील मिल गई है, 7 में एक फ्री में भी मिल गया है। तो मैं इन सब का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट जो है, तो ये है, ये दो मैंने मंगवाए थे, इनमें प्लांट मैंने अपने डाले हुए, बट ये ग्लास के मैंने मंगवाए थे, और ये बहुत ही क्लियर है, मतलब अगर आप इन्हें देखते हो तो बहुत ही सुंदर ये फिनिशिंग में है, इस तरह से कुछ वी तरह का कुछ इनमें डिज़ाइन बना हुआ है। और ये दो का सेट आया था मेरे पास में, 290 रुपये का है। मतलब फ़ोटो में तो ये बहुत बड़ा दिख रहा था कि काफ़ी बड़े होंगे, बट जब ये मुझे रिसीव हुए तो ये छोटे से है, बहुत बड़े नहीं है। और मैंने तो इनमें प्लांट और इस तरह से रखा हुआ है, तो मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। आप चाहो तो इसमें आर्टिफिशियल प्लांट फ्लावर्स भी डाल सकते हो या प्लांट भी डाल सकते हो, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने इसमें ये मनी प्लांट और एक ये वाला प्लांट डाला हुआ है, तो ठीक है, मतलब बहुत बड़े साइज़ में तो नहीं है, छोटे छोटे से हैं, तो कोई छोटा एरिया हो आपके पास में, छोटा कॉर्नर हो, आप वहाँ पे से लगा सकते हैं। और 290 रुपीज़ में दो हैं, तो और अच्छा कांच है काफ़ी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो आप भी ऑर्डर कीजिए। गाइज जो नेक्स्ट है वो है ये सेरेमिक पॉट, और ये गाइज मुझे इतना पसंद आया ना, कि इसी की वजह से जो मैंने पहला आपको पॉट दिखाया ना, वो मैंने मंगवा लिया। मतलब मुझे लगा था कि सेम सेरेमिक में ही आएगा, ये वास भी वैसे ही आएगा जैसे वो वास था, फ्लावर वास, लेकिन ये इतना अच्छा वो इतना अच्छा नहीं था, और ये बहुत अच्छा है, और ये 212 रुपये का है गाइज। लेकिन मैं बोलूँगी कि मुझे शायद दो मंगवा लेने चाहिए थे, ये बहुत अच्छा है। जैसे अगर मैं कंपैरिजन आपको करवाऊं तो ये ना एक तो प्लास्टिक का है वैसे ही, जैसे घर पे टूटे फूटे से प्लास्टिक होते हैं, बॉक्स होते हैं वैसे ही, और ऊपर से ये इसे अगर आप मैं खड़ी करती हूँ ना ऐसे, तो ये लटकता है, मतलब अगर इसे आप बेस में भी मैं किसी फ्लैट जगह में भी रखती हूँ तो ये लटकता है। और ये देखो आप, अब ये सेरेमिक में चीनी मिट्टी का है, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसा होगा, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका, इस तरीके से इसमें डिज़ाइन करा हुआ है ये, तो आप देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और 212 रुपये में, और हैवी से हैवी फ्लावर भी ये अपने में होल्ड कर पा रहा है, मैंने काफ़ी बंच के साथ में इसमें फ्लावर डाले हुए हैं, तो वो अच्छे से होल्ड कर पा रहा है, तो ठीक है गाइस, 212 रुपये में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने जितने भी आइटम्स मंगवाए ना ये डेकोरेशन के, मुझे सारे ही अच्छे लगे, तो मैं मीशो में दोबारा भी चेक करूँगी, पता दोबारा भी मैं मंगवाऊंगी। और गाइस जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, वो मुझे 135 रुपीज़ में कुछ मैंने लाइट्स मंगवाई थी, ये जो आप पीछे देख रहे हो ये वाली लाइट, और ये एक छोटा सा यहाँ पे इसका होल्डर है, उसी में सेल लगता है, और उसके लिए बड़े सेल लगते हैं, और ये है इस तरह से, तो मैंने ये लाइट भी मंगाई है, और जो जस्ट 135 रुपीज़ में है, तो और मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मेरा अगर 2 महीना भी ये चलेगा तो मेरे लिए 135 रुपीज़ में बहुत अच्छा है। और एक छोटू सा प्लांटर मैंने मंगवाया ये, बट मुझे लगा था कि मेरे जहाँ पे प्लांट्स रखे हुए उन्हीं के बीच में मैं इसे डेकोरेशन के लिए रखूँगी या कुछ इस तरीके से करूँगी, या छोटा सा कोई इसमें पॉट डाल लूँगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे होल दिया हुआ है, और अगर मैं मिट्टी डाल के कुछ हैंग मतलब कुछ लटकने वाले पौधे भी इसमें लगाती हूँ तो ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन गाइस ये मुझे उतना हैवी लगा नहीं, और 196 रुपीज़ में मुझे थोड़ा सा ये महंगा लगा, मुझे लगा था थोड़ा, क्योंकि मीशो का क्या है ना, फ़ोटोज़ जो थी वो थोड़ी बड़ी बड़ी सी दिख रही थी इनकी, और जब ये रिसीव हुआ तो ये बिल्कुल ही छोटा सा हुआ, बट ये क्यूट लग रहा है ऐसे भी, बस ये पटके ना, क्योंकि ये गिरा तो मेरे हाथ से, तो ये थोड़ा सा यहाँ से क्रैक इसमें ये टूट ही गया, बट ठीक है, 196 रुपीज़ के लायक तो नहीं था, 100 या 150 तक भी चलता, बट ठीक है, अब मंगवा लिया है तो यूज़ तो करना है इसका, तो ये है, आप मंगवा सकते हो अगर मंगवाना होगा। और गाइस मैंने एक प्लांट स्टैंड भी मंगवाया, जिसका वीडियो मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगी, तो वो मुझे 1163 रुपये में मिला था, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी में आया है ना, अच्छा लोहे के साथ में वो बना हुआ था, और 1163 रुपये में था वो,
रखा हुआ है मैंने, मैं उसका वीडियो यहाँ पे लगा लूंगी, फोटो यहाँ पे लगा लूंगी, तो अगर आप लोग को मंगवाना होगा तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और वो इतनी अच्छी क्वालिटी में आया है, 6 गमले उसमें आ सकते हैं, बहुत हैवी गमले तो नहीं लेकिन इतने मीडियम साइज के गमले आप उसमें रख सकते हो, और वो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन के साथ में, जैसा आपको यहाँ पे फोटो में वो दिख रहा है एग्जैक्टली वो वैसे ही मुझे रिसीव हुआ था, बहुत अच्छी क्वालिटी में। तो अगर आप मीशो से प्लांट स्टैंड भी मंगवाते हो ना बने हुए, तो वो भी आपको बहुत अच्छी डील में मिलते हैं, मतलब अगर आप मार्केट या नर्सरी से लेते हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब डबल रेट में आपको वो मिलेंगे, और अगर आप मीशो से मंगवाते हो तो मीशो से आपको बहुत ही कम प्राइस मतलब आधे प्राइस में आपको वो मिलेंगे। तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगी आपको, और आप उसे भी वहाँ से अगर मंगवाना हो आपको तो आप मंगवा सकते हो। तो गाइज एक मैंने फेस रोलर भी मंगवाया था और मुझे लगा आप लोगों के साथ में इसे मैं खोलती हूँ। तो चलिए, ओ प्लास्टिक का है ये, ओके कैसे करेंगे इसे यूज, ये है और फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाया मीशो से, ये फेस रोलर है, मतलब इसके अंदर जो भी आपको खीरा या आपको वाटरमेलन या कोई भी फ्रूट का जूस आप इसमें डाल सकते हो, और फिर इसको वाटर के साथ में या मिल्क के साथ में आप इसे फ्रिज कर सकते हो, इसमें ये बर्फ़ जम जाएगी और उसके बाद आप इसे मसाज कर सकते हो। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसको मैंने मतलब यूज़ किया नहीं, बट यस बहुत अच्छी कंडीशन में मिला हुआ है और प्लास्टिक का है ये, मुझे लगा था थोड़ा हार्ड होगा बट यस बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक है ये। तो मैं जब इसे यूज़ करूँगी तो आप लोग के साथ भी ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। तो ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल में जो लोग नए वीडियो देख रहे होंगे वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइज, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा है बुरा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, गाइड ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जब कमेंट करते हो या आप लोग जब वीडियो लाइक करते हो तो उससे हम लोगों का एक हम लोग मोटिवेट ही होते हैं, हम लोग को मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट वीडियो हमने और अच्छी करनी है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच गाइज।